क्या अंधकार से डरना अब आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे जिससे डरकर छिप जाते हैं, एक नूर बहे रूमानी सा रोशन ये आलम हो जाए, आओ हम सब मिल करके एक झिलमिल दीप जलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा पीसीएस मंत्रा के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग पहले से पीसीएस मंत्रा के ग्रुप से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि इस ग्रुप का सृजन आज से एक साल पहले 2016 में फेसबुक ग्रुप के माध्यम से हुआ था, जिस पर आपको निरंतर पठन सामग्री और बेहतर सुझाव परीक्षा उपयोगी दिए जा रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पीसीएस मंत्रा ने अपना YouTube चैनल शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें आपको परीक्षा उपयोगी वीडियोस प्राप्त होंगे और परीक्षा उपयोगी बेहतर सुझाव भी मिलते रहेंगे। अपने बारे में कुछ भी बात करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर दीपक श्रीवास्तव जी का, जो कि इस ग्रुप के संस्थापक हैं, और साथ ही डॉक्टर विवेक सिंह जी का, जो कि इस ग्रुप के एडमिन पैनल में शामिल हैं, और साथ ही उन सभी एडमिन्स का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मंच पर आपके साथ जुड़ सकूं। तो अब बताता हूं मैं अपने बारे में थोड़ा सा। तो मेरा नाम अमित वर्मा है और मैं आप ही की तरह एक प्रतियोगी हूं, साथ ही दो YouTube चैनल का संचालन भी मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से एक तो परीक्षा के साथ जुड़ा हुआ है और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित पठन सामग्री और वीडियोस उस पर उपलब्ध हैं आपके लिए। दूसरा चैनल है जो कि 10वीं से लेकर के और 12वीं की CBSE बोर्ड से जुड़ा हुआ है और उस पर मात्र इंग्लिश की कक्षाएं दी जाती हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहें इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं पीसीएस मंत्रा के अतिरिक्त। जरूरी नहीं है कि आप पीसीएस मंत्रा से जुड़े हैं तो इन चैनल्स पर जाएंगे, ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो पीसीएस मंत्रा के इस नए यूट्यूब चैनल को आज स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे समसामयिक मुद्दों पर, और इसकी शुरुआत करते हैं आज हम समसामयिक घटनाओं से, जो कि आधारित हैं 1 जून 2017 से और 10 जून 2017 की समसामयिक घटनाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पीसीएस मंत्रा का पहला वीडियो। आइए शुरुआत करते हैं समसामयिकी 1 जून 2017 से 10 जून 2017 की प्रमुख घटनाओं से। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून 2017 को किस देश ने सटीक स्थित निर्धारण प्रणाली के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह देश है जापान। चारा एकड़ आकलन हेतु अमूल ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो यह संस्थान है इसरो। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में एक एंटी रैगिंग मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। यह किस संस्थान द्वारा निर्मित है? तो यह UGC द्वारा, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा निर्मित है। भूकंप का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। सिस्मोग्राफी से मापा जाता है भूकंप का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। सिस्मोग्राफ का एक पूर्णांक होता है 31 गुना। वह देश जिसने जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा की है वह देश है अमेरिका। भारत का रूस के साथ किया जाने वाला सैन्य अभ्यास कहलाता है इंद्र।
भारत अपने कुल सैन्य साजो सामान का कितने प्रतिशत रूस से आयात करता है? तो यह प्रतिशत है 70%। रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा के तहत अभी तक कुल कितने रिएक्टर भारत में स्थापित किए हैं? तो कुल 6 रिएक्टर स्थापित किए हैं। अमेरिका ने रॉकेट लॉन्च करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा विमान तैयार किया है, इसका नाम है स्ट्रैटो लॉन्च। बाउल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसकी रचना है? तो यह रचना है रामचंद्र गुहा की। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है अमेरिका। अगर तीन देशों की बात करते हैं तो अमेरिका प्रथम, कनाडा द्वितीय और रूस तृतीय स्थान पर है। टेलीकॉम कंपनी टेलीनार, जिसका अधिग्रहण भारतीय एयरटेल ने किया है, किस देश से संबंधित है? तो यह नॉर्वे से संबंधित है। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो आयरलैंड का प्रधानमंत्री बना, तो ये हैं व्यक्ति हैं लियो बराडकर। मोदी पर्व यानी कि MODI मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया बंगलुरु में। सायल्स हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस भारतीय को वर्ल्ड नो टबैको डे के अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये व्यक्ति हैं JP नड्डा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसे अमेरिका अपीली अदालत का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये व्यक्ति हैं अमोल थापर। नाबार्ड संशोधन विधेयक 2017 द्वारा नाबार्ड की अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कर दी गई है, ये कर दी गई है 5,000 करोड़ रुपए। द वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी रचना है? तो यह नटवर सिंह की रचना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। वर्ष 2017 के लिए पर्यावरण दिवस की मेज़बानी दी गई कनाडा को। वर्ष 2017 के लिए पर्यावरण दिवस की थीम थी कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो इसको वर्ष 1974 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। 5 जून 2017 को इसरो द्वारा छोड़े गए भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्चर GSLV Mark III D1 द्वारा छोड़ा गया उपग्रह है GSAT-19। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए मिरोस्लाव लेजकक, पत्रकारिता क्षेत्र के रेड इंक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 से सम्मानित हुए विनोद दुआ, जो कि संपादक हैं NDTV के, नाटो का 29वां सदस्य बना मोंटेनेग्रो, अल्फांसो केसर नीलम फजली मल्लिका रूपानी आदि किसकी प्रजाति हैं? तो ये सभी आम की प्रजातियां हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल अभी तक 48 सदस्य हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु किस वर्ष की जनगणना आधार वर्ष है? तो यह है 1971। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई 1988 में। महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2017 का खिताब जीता है भारत ने बेल्जियम को हराकर। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2016 दिया गया सत्यव्रत राउत को। हाल में किस देश में हैजा ने भयंकर महामारी का रूप लिया? तो यह देश है यमन। 2 जुलाई 2016 से प्रारंभ स्मार्ट ग्राम योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह राष्ट्रपति भवन के द्वारा शुरू की गई थी।
संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी राजदूत हैं निकी हेली और नम्रता रंधावा, जो कि भारतीय मूल की हैं। ग्रामीण एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो यह शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश से। महात्मा किसकी रचना है, तो यह डीपी तेंदुलकर की रचना है। मात्र 52 दिनों में तैयार होने वाली विराट किस फसल की प्रजाति है, तो यह मूंग की प्रजाति है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कुल सम्मिलित फसलें कितनी हैं, तो कुल फसलें हैं 7, जिनमें कि गेहूं, चावल, दलहन, मोटा अनाज, गन्ना, जूट और कपास सम्मिलित है। 2 नए राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। पहला होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है, और दूसरा नल्लौर, जो कि आंध्र प्रदेश में। मेरा गांव मेरा गौरव योजना की शुरुआत की गई है 25 जुलाई 2015 से। 19 फरवरी 2015 से प्रारंभ सायल्स हेल्थ कार्ड के तहत कितने हेल्थ कार्ड जारी किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, तो ये थे 14 करोड़। 190 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संधि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर ना करने वाले देश हैं, जो कि ये 3 देश हैं, जिसमें कि सबसे पहला भारत, फिर पाकिस्तान और इज़राइल। किस मुद्दे को लेकर 5 अरब देशों ने कतर से सभी प्रकार के संबंधों को समाप्त कर लिया है, तो वह मुद्दा था आतंकी समूह के समर्थन व संरक्षण का। भारत के अब तक के सबसे भारी रॉकेट लॉन्चर GSLV Mark 3 D1 का भार है 640 टन। भारत में कुल कितनी भाषाओं को सा का दर्जा प्राप्त है, तो यह 6 भाषा, जिनमें शामिल है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। इंडियन रेलवे द वेविंग ऑफ नेशनल टेपेस्ट्री किसकी रचना है, तो विवेक देवराय की रचना है। शंघाई सहयोग संगठन का भारत तथा पाकिस्तान के सदस्य बनने के बाद कुल सदस्यों की संख्या हो गई है, तो यह संख्या हो गई है 8। इन 8 में शामिल हैं रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 1996 में शंघाई 5 नाम से। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था क्षेत्रीय सीमावर्ती विवाद का शांतिपूर्ण समाधान। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार भारत में अब तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है, तो वर्ष 2016 और 17। वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट 2017 का खिताब भारतीय मूल के किस कनाडियन रेसलर ने जीता, तो ये जीता है जिंदर महल राज सिंह सेधी ने। नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं शेर बहादुर देउबा। 123वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को SC/ST आयोग के समान संवैधानिक दर्जा देने के लिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद है 155। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी रचना है, तो संजय बारू की रचना है। विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है 10 जून को। भारत में किसानों की पहली बार कर्ज माफ़ी हुई थी 90 में श्री VP सिंह की सरकार द्वारा। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का गठन किया गया था 2004 में। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ने फसल उत्पादन लागत का कितना प्रतिशत लाभ देने की सिफारिश की है, 50% है। अब आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी 9 नवंबर 2014 को।
आइए आयुष से जुड़े राष्ट्रीय संस्थान तथा उनकी स्थिति पर नज़र डालते हैं। तो आयुर्वेद संबंधित रहे जयपुर से, पुगा दिल्ली से, यूनानी बंगलुरु से, सिद्ध चेन्नई से और होम्योपैथी कोलकाता से। विश्व के कुल भौगोलिक तथा जनसंख्या का भारत का प्रतिशत योगदान कितना है? तो यह है क्रमशः 2.4 तथा 17.5%। हाल में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का 14वां सदस्य बना है गिनी। ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। ओपेक का मुख्यालय स्थित है वियना, ऑस्ट्रिया में। अंक डाट द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2017 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान है 10वां। अगर सर्वाधिक देखा जाए तो अमेरिका, फिर ब्रिटेन और फिर चीन है। फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता 2017 के मिक्स डबल्स के विजेता भारतीय रोहन बोपन्ना की जोड़ीदार थीं गैब्रिएला डाब्रोवस्की, जो कि कनाडा की थीं। माई जर्नी थ्रू इंडियाज़ ग्रीन मूवमेंट किसकी रचना है? तो यह रचना है सुनीता नारायण की। पीसीएस मंत्रा और एग्जाम पोस्टर्स के ज्वाइंट वेंचर में आज आपने देखा 1 जून 2017 से 10 जून 2017 पर आधारित समसामयिक घटनाओं पर एक वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चाहे वो कमेंट आपके नकारात्मक हों या सकारात्मक हों, जैसा भी है आप कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें अपनी गलतियों का एहसास होता रहेगा और हम आपको कुछ बेहतर दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं 2 यूट्यूब चैनल और चलाता हूँ, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दिया गया है। आपको वहाँ जाकर उन चैनल्स पे विजिट कर सकते हैं और अगर आपको वहाँ के शैक्षणिक वीडियो पसंद आते हैं तो उस चैनल से जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप PCS मंत्रा से जुड़े हैं तो उन चैनलों से भी जुड़ें। तो देखते रहिए PCS मंत्रा को और अपने कमेंट करते रहिए। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको धन्यवाद, और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं क्योंकि ये पहला वीडियो भी है PCS मंत्रा का, तो उनसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही वीडियो लोड होते हैं।